हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत ही प्यारे क्यूट से DIYs के बारे में, होम इम्प्रूवमेंट, होम डेकोरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्यूट से प्लांटर्स, जो कि मैंने घर पर ही सस्ते से बनाए हैं, बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। इन DIYs को बना के आप भी अपने घर की बालकनी को या गार्डन को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हैं, जो भी आपके घर में वेस्ट मटेरियल वाली कोई प्लास्टिक की बॉटल पड़ी हो, आप उसको कवर उतार दीजिए, उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फिर आप उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप उसको डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं। कट करने के बाद आप उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर पहले हम प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर आउटलाइन बनाएंगे, जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद फैब्रिक का मोल्डेड क्ले लेंगे, उन दोनों पार्ट्स को मिक्स करेंगे अच्छे से, जो रेजिन पार्ट है और जो हार्डनर पार्ट है, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उनका वन कंसिस्टेंसी डो क्रिएट करना है फ्रेंड्स, आपको डो को अच्छे से नीड करना है ताकि जो क्ले है वो बाद में टूटे नहीं। आप अपनी पाम के ऊपर टेलकम पाउडर लगा सकते हैं ताकि जो डो है वो अच्छे से आप नीड हो सके आपके हैंड में। अभी हम क्ले को रोल आउट कर लेंगे किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर, और बाद में जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है उसका हम कटआउट क्रिएट करेंगे, और बाद में जो भी आपने कटआउट बनाया है उसको हम बॉटल के ऊपर फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ड्राई होने के लिए छोड़ना ज़रूरी है ताकि जो क्ले है वो अपने आप में हार्ड हो जाए। उसके बाद हम उसके ऊपर चॉक पेंट अप्लाई करेंगे ताकि उसको बेस कोट दे सकें। चॉक पेंट देने के बाद जब वो सूख जाएगा, देन वी विल यूज़ येलो क्रेली कलर। फ्रेंड्स, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आई हैव यूज्ड येलो क्रेली कलर। फिर उसको येलो क्रेली कलर करने के बाद उसके ऊपर हम डिज़ाइन बना देंगे, जो भी आपको प्लांटर का डिज़ाइन बनाना है, विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर पेन और ब्लैक क्रेली कलर, वट एवर यू हैव। एंड देन ताड़ा, आवर क्लॉथ प्लांटर इज़ रेडी। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट DIY बना लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं एक स्प्राइट की ही बॉटल ले रही हूँ, उसके लिए भी मैं मोल्डेड क्ले ही यूज़ करूँगी। मोल्डेड क्ले को लेके आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, रेजिन बेस और हार्डनर को मिक्स कर तब तक करना है जब तक कि उसकी वन डो कंसिस्टेंसी ना आ जाए। क्ले को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पर मैं क्यूट सा मॉडर्न आर्ट बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सेम क्ले को यूज़ करके 2 बॉटल्स रेडी कर ली हैं। अभी इनको ड्राई अप होने के लिए छोड़ देंगे, एंड देन ड्राई होने के बाद इसको हम अगेन चॉक पेंट और जो अभी आपको क्रेली कलर देना है उससे हम उसका डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मॉडर्न आर्ट का प्लांटर कितना अच्छा लग रहा है, और वो भी घर पर बनाया हुआ। सारे ही प्लांटर्स अच्छे लग रहे हैं, वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर के प्लास्टिक बॉटल्स को थ्रो करने की बजाय उनको रीयूज़ कीजिए, और अच्छे से प्लांटर्स घर पर ही बनाइए, वो भी फ्री में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं हमारा नेक्स्ट DIY। फ्रेंड्स, इस DIY में मेरे पास एक प्लेन टी शर्ट है, मैं उसके ऊपर आज पेंटिंग करने वाली हूँ,
उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, हम टी शर्ट के नीचे न्यूज़पेपर डाल देंगे ताकि जो भी हम कलर कर रहे हैं वो कलर नीचे की तरफ ब्लीड ना हो। टी शर्ट पर पेंटिंग करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ करूँगी। आप चाहे तो फैब्रिक कलर्स जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्रेलिक कलर्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मैं एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ब्लू कलर के वेरिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली ब्लू है, स्काई ब्लू है, वाइट कलर है, उन सबको यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, उससे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी और उसके बाद मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ करूँगी। अभी यहाँ पर मैं वार्निश अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, आप किसी भी ब्रांड का वार्निश ले सकते हैं, मेरे पास ये वाला था तो मैं यही कर रही हूँ। वार्निश से बेसिकली जो हमारा कलर है वो ब्लीड नहीं होगा। इससे कलर ब्लीड होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारा आर्ट वर्क जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम स्टे करता है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी वार्निश करने के बाद ये कितना ही सुंदर लगेगा, हमारा आर्टवर्क जो है वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा और हमने घर पर ही फटाफट से टी शर्ट को पेंट कर लिया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको टी शर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपको मेरे चैनल पर DIYs अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप कोई भी क्रिएशन क्रिएट करते हैं मेरी आर्टवर्क से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पर टैग कीजिए, मैं आपकी क्रिएशंस देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।